सो द वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्लाइंडिंग टेक्नीस दट आर यूज इन दी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स विच आर द एक्चुअल गोल्स टंडर द रियल क्लिनिकल ट्रायल्स द रियल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ठीक है अब हमें पता है कि जब आर सी टीज होती है तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है और दोनों ग्रुप्स में सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट से इट ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ मुंडा भाई एम बी बी एस द सब्जेक्ट भी बोलने का अब क्या करें भाई ये एक साइंटिफिक टर्म है हमारी ठीक so, so, है सो द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप रैंडमली ठीक है तो अब ब्लाइंडिंग अच्छा ब्लाइंडिंग करते हैं क्यों एमसीक्यू से बहुत पूछा जाता है पूछा जाता है कि ये ब्लाइंडिंग है क्या ब्लाइंडिंग इज डन बेसिकली टू रिड्यूस द बायस ठीक है इट इज डन यूजअली टू रिड्यूस द बायस ठीक है सो वी हैव एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप There is an experimental group, and then there is a control group, and the subjects are randomly distributed. Subjects are randomly distributed among the control group and the experimental group. ठीक है आरसीटी होती ही वही है जिसमें ये दो चीजें डेफिनेटली हो देयर शुड बी अ कंट्रोल ग्रुप एंड देयर शुड बी अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द एक्सपेरिमेंटल एंड द कंट्रोल ग्रुप वही रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है और ट्रू एक्सपेरिमेंटल अगर रैंडमाइजेशन नहीं है या कंट्रोल ग्रुप नहीं है दोनों में से कोई एक चीज नहीं है तो क्वाजी तो एक्सपेरिमेंटल होता है ठीक है जी अच्छा अब ब्लाइंडिंग जो है वो क्या क्या है जी देर इज सिंगल ब्लाइंडिंग डबल ब्लाइंडिंग एंड ट्रिपल ब्लाइंडिंग इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए सो देर आर बेसिकली द थ्री थिंग्स वो क्या है जी एक तो ऑब्वियसली वी हैव आवर सब्जेक्ट और वी कैन ऑल्सो से द पार्टिसिपेंट ऑफ द रिसर्च हु हैव बिन रैंडमली डिवाइडेड इंटू द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप ठीक सब्जेक्ट है देन वी हैव द ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर है जो कि यूजली हमारा कोई डॉक्टर है या प्रैक्टिशनर है रिसर्चर है ये डिफरेंट वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं ठीक है और फिर एट द एंड ऑफ द डे थर्ड हमारे पास क्या है हमारे पास अब देर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू एनालाइज द डाटा एनालिसिस ठीक है अ पर्सन हु इज डोइंग द डाटा एनालिसिस डाटा एनालिसिस पर्सन हम उसे कह लेते हैं ये तीन लोग हैं ठीक है जी इन एनी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अ ट्रू क्लिनिकल ट्रायल एक्सपेरिमेंटल स्टडी वी हैव द सब्जेक्ट द पार्टिसिपेंट्स हु डिस्ट्रीब्यूटेड विद बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड दोल ग्रुप दैन वी हैव रिसर्चर आर डॉक्टर होल डेटा अच्छा जी अब सिंगल ब्लाइंडिंग है सिंगल ब्लाइंडिंग इज इन विच द सब्जेक्ट इज अन अवेयर उसको नहीं पता दट वेदर ही इज इन कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ठीक है जी सिंगल ब्लाइंड में अब हम ये देख लेते हैं कि जी अब ये ब्लाइंड कौन कौन है जिसको कि नहीं पता कि आर में क्या हो रहा है सो so, यहां पर सब्जेक्ट है सिंगल ब्लाइंड सिर्फ एक है इन तीनों में से हु डज नॉट नो वॉट गोइंग टू हैपन सो इन सिंगल ब्लाइंड द सब्जेक्ट जस्ट डज नॉट हैव दिस इंफॉर्मेशन दैट वेदर ही इज आर शी इज इन कंट्रोल ग्रुप आर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ठीक है जी ये सिंगल ब्लाइंड अब आ गया डबल ब्लाइंड डबल ब्लाइंड में द टू पीपल आर ब्लाइंड about what's going on they are the number one subject or the participant number two observer or his doctor both are unaware both do not know whether the subjects are in the experiment group who are the subjects in the experimental group who are in the control group which drug or which trial हैज बिन गिवन टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पीपल आर टू द कंट्रोल ग्रुप पीपल ठीक है अभी कोविड जब आया था तो इतनी नई वैक्सीन जब आई थी इतने ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल उनके हुए थे तो उनमें बिल्कुल ऐसे ही था कि लोगों को नहीं पता था कि भी हम कंट्रोल ग्रुप में है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, और, और कुछ उनमें से डबल ब्लाइंड स्टडीज थी जिनमें ऑब्जर्वर को भी नहीं पता था कि कौन सा जो है उसको वैक्सीन मिली है और किसको जो है वो प्लेसिबो मिला है ठीक है जी तो यह है डबल ब्लाइंड इन डबल ब्लाइंड बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर दे जस्ट डू नॉट नो दैट विच

सब्जेक्ट को भी कुछ नहीं पता ऑब्जर्वर को भी कुछ नहीं पता डेटा एनालाइज करने वाले को भी कुछ नहीं पता कि कौन सा पे किधर था और उसको दिया क्या गया बहुत ही हाई प्रोफाइल स्टडीज जब बहुत ही कोई हाई प्रोफाइल वैक्सीन जो है उसका कोई ट्रायल हो रहा है जब बहुत ही हाई प्रोफाइल कोई नई ड्रग मार्केट में इंट्रोड्यूस होनी है उसका ट्रायल हो रहा है तो फिर ट्रिपल ब्लाइंड है ठीक है जी द सब्जेक्ट दी ऑब्जर्वर And also, the person who is analyzing the data, all three are blind about what's going on. Okay? So, this is the most simple description of blinding in a clinical trial that is the RCT. Single blind subject ko main experimental group ya control group double or mujhe kya mil obviously double blind. सब्जेक्ट को भी नहीं पता डॉक्टर को भी नहीं पता कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, कौन कंट्रोल ग्रुप में है, ट्रिपल ब्लाइंड जहां पे सब्जेक्ट को भी ऑब्जर्वर को भी और एट द एंड जो डाटा को एनालाइज कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता कि कहां पर क्या हो रहा है ठीक है बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह हर चीज गुप्त 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 दैट इज द ट्रिपल ब्लाइंड